आप नहीं जिमेंगे? मान सिंह, मैं थारा आदर सत्कार किया यही बहुत है, अब थारे संग भोजन करके जात को नहीं बिगाड़ूंगा। ऐसा क्यों सोचे हो राणा प्रताप? तुम्हें को नहीं मालूम तो राजपूत स्त्री ने उन मलेच्छों का ब्याहे है, दास बन के उनकी चाकरी करे है, फिर भी तुझे को नहीं मालूम? राणा जी, मैं यहां बासारा दूतरी हैसियत से इठे आया हूं, निजी झगड़े वास्ते मारे पास समय को नहीं। मान सिंह, जब तारो बादशाह मने संदेश देने चावे है तो उन्हें खुद आना चाहिए। आपने मालूम है आप क्या कह रहे हो? उन्हें भेजे भी तो एक छोटा आदमी ने दूत बना के, जिनका पूरा खानदान मारो चाकर रहे है। राणा साफ कहूं, मैं यहां अपनी अब्बासा हुजूर की बेइज्जती सहन करने को नहीं आया। कमंडरा बादल से बाहर हो और पास सारा हुक्म का पालन करके फौरन उसके सामने हाजिरी बजाओ। जब आपने ऐसा नहीं किया तो इसे बगावत समझी जाएगी और सल्तनत री फौज हमला करके मेवाड़ पर कब्जा कर लेगी। मान सिंह, उनसे कह दे मेवाड़ कभी अकबर के सामने सिर नहीं झुकावेगा। मारा सब रिश्तेदार उनका नौकर बन गया है, पर मैं ऐसा को नहीं कर सकता। आपने पूर्वजरी महान परंपरा सु मैं विश्वासघात को नहीं कर सकता। राणा जी, आप सोचे हो कि हम बात सारी सेवा क्यों कर रहा है? कारण के थे सब देश द्रोही हो कायर नहीं, बल्कि इस वास्ते कि हम सल्तनत की ताकत को समझें और हम यह भी जाने हैं कि सल्तनत का हिस्सा बन के रहोगे तो तुम्हारे पास ज्यादा ताकत होगी, स्वतंत्रता होगी। थे सब दास हो दास, और दास कद भी स्वतंत्र नहीं हो सके। मान सिंह, कद भी स्वतंत्र नहीं हो सके। राणा जी, आप बीते जमाने में जी रहे हो, आपका स्वतंत्रता का विचार आज के समय से मेल को नहीं खावे। स्वतंत्रता स्वतंत्रता के स्वतंत्रता की बात करे हो? आपकी जमीन सारी बंजर, व्यापार रिवाज से आपके पास कुछ नहीं। आप और आपका पूर्वज हमेशा लूटपाट पर जिंदा रहा है, और जब सल्तनत आपके दरवाजे पर दस्तक देवे है तो लूटपाट भी आपके वास्ते मुश्किल हो गया। मारी बात मान लो और सल्तनत से मिल जाओ, आपको हर चीज में हिस्से मिलोगे, अनाज व्यापार राजस्व सान सौकत हर चीज में। हर चीज पर सम्मान को नहीं, और सम्मान बिना ये सब धुरी बराबर हो गए हैं। मान सिंह, धुरी बराबर। आप रो सम्मान कोई नहीं छीन रहे हो राणा जी, आप ही बताओ हमारे परिवार के सम्मान में के कमी हुई है? थारे खानदान ने जिन सम्मान ने स्वीकार किए है उनसे हर राजपूत रो सिर शर्म से झुक गए है। ऐसा है तो सारे राजपूत मारे जयपुर रे संगीत काव्य पूजा पाठ री परंपरा का अभी तक पालन क्यों कर रहे हैं? जब तुम्हारा अपमान सल्तनत द्वारा किया गया होता तो ऐसा क्यों है? राणा जी, सच्चाई ने समझवारे की कोशिश करो। अकबर बादशाह सम्मान रो असली मतलब समझे हैं, जब ऐसो ना हो तो हम उन्हें इतना महत्व भी ना देवे। कुछ भी कहो मान सिंह, मारे वास्ते तू एक कायर बेशर्म और देशद्रोही है। मेवाड़ कभी उन रास्ता पर नहीं चल सके जो तू बता रहे है। तो ठीक है, आप रोहिण संदेश मैं बादशाह ने पहुंचा दूंगा, पर जाते जाते एक सलाह दे, आप युद्ध की तैयारी करके रखो। सब जल पात्र में तोड़ डालो, जल में उस नीच ने पानी पियो, जठे वो बैठो थोड़ जमीन ने खोद डालो। मैं नहीं चाहूं कि मेवाड़ कोण जैसे देशद्रोही छूत लगे।